हाय एवरीवन वेलकम तू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ करियर ग्रुप गाइस माइनर नाम्बी शेख एंड आई एम द पिसिक्स फैकलिटी हेयर और आज हम बात करेंगे वी आर गोइंग तू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ पिसिक्स ऑफ टूथाउजेंड नाइनटीन पेपर वन छः क्वेश्चन पूछे गए थे सिक्स क्वेश्चन ह� एक गोल्ड और एक सिल्वर का पीस है जब उसको पानी के अंदर इमर्स किया गया तो देअर वेट इज इक्वल वेन वेट इन एयर गिवन डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज ग्रेटर देन द सिल्वर तो अब हमें यह बताना है कि जब एयर में उनका वजन किया गया तो किसका वजन ज्यादा आया किसका कम आया क्या दोनों का इक्वल आया या फिर वो उनके मास पर डिपेंड करता है देखिए इस तरह के क्वेश्चन में वॉट यू हैव टू डू इज टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर फर्स्ट सबसे पहले जो गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कीजिए क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है कंफ्यूजन हो सकती है वैसे यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं या रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी दैट इज डेंसिटी इन एयर टू डेंसिटी इन द लिक्विड डेंसिटी इन द मीडियम मास पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि अगर बराबर है देखिए साफ साफ लिखा गया है दैट इक्वल वेट वेट बिल्कुल बराबर है सो इट विल नॉट डिपेंड ऑन द मास अब बोथ सिल्वर एंड गोल्ड पीसिस वे इक्वल दिस इज आल्सो नॉट ट्रू ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं क्योंकि देखिए डेंसिटी जो है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम इसको मास डेंसिटी बोलते हैं और अगर पानी के अंदर वेट जो है इक्वल आ रहा है तो इसका क्या मतलब है पानी के अंदर वेट इक्वल आ रहा है लेकिन डेंसिटी गोल्ड की ज्यादा है सिल्वर से इसका मतलब गोल्ड जो है वो कम वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर पा रहा है एज कंपेयर टू सिल्वर तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट अब दो बचते हैं या तो गोल्ड का वजन ज्यादा होगा या तो सिल्वर का वजन ज्यादा होगा तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है गोल्ड की ठीक है तो इसका मतलब सिल्वर का जो वेट है वो ज्यादा होगा यस सिल्वर वेट मोर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड रेडिएशन आर गिवन एज दिस

गामा रेज गामा रेज के बाद एक्स रेज देन यूवी रेज देन विजिबल और उसके बाद इंफ्रारेड ये आप ऑर्डर याद कर लीजिए क्योंकि दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी इंफ्रारेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी इंफ्रा की ये देखिए उसके बाद विजिबल उसके बाद यूवी रेज तो ये सही है डी ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट आई होप आपको इसको भाई याद कर लीजिए दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इट माइट बी अब पॉसिबल कि आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए और वैसे भी जो हमने पैटर्न देखा है वेब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं थर्ड जी हाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट थर्ड

इस तरीके से इस तरीके से इसको डिस्कस करना पड़ेगा यह कोई पी वेक्टर है अब दिस इज एक्सिस एक्स, एक्स सॉरी, एंड दिस इज वाई तो उसने कहा है थीटा डिनोट्स द पोलर एंगल अराउंड जेड एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग ये थीटा है उसके बाद एजीम्यूथल एंगल इज वॉट इट इज गामा गामा जो है वो एस डी म्यूथल एंगल है और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ये दिस इज तो जब इस तरह से आप पी के कॉम्पोनेंट को स्टडी करेंगे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं इट कम्स आउट टू बी पी साइन थीटा साइन अल्फा पी साइन थीटा साइन अल्फा हमें इस तरीके से अगर आप इसको रेस्ड करेंगे चलो आई ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू आसान बनाने की कोशिश करते हैं आसान बनाने की कोशिश करते हैं समझिए थोड़ा सा ये आपके पास सिंपल रखते हैं सबसे पहले ये Z एक्सेस है ये y है, ये X है। ये Y है, है। है। X ये आपके पास P है अगर आप इसको कंपोनेंट में डिजोल्व करेंगे थीटा ये आ गया P कॉस थीटा और ये आ गया P साइन थीटा अब इसकी रिफ्लेक्शन समझिए इसकी रिफ्लेक्शन होगी कुछ ये ये अब जब इसको इसको रिजॉल्व करेंगे फाइ के साथ तो आपके पास ये ये वाला जो पार्ट है साइन थीटा पहले ही है यहां से अब समझिए थोड़ा सा दिस इज फाइव तो ये साइन थीटा पहले ही ये आ जाएगा पी साइन थीटा साइन अल्फा और ये आ जाएगा पी साइन थीटा अल्फा? अगर आपको समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं भी समझ आए तो इट्स फाइन। आप याद रख लीजिए साइन साइन थीटा अल्फा। ऑप्शन नंबर ए जी हाँ क्वेश्चन नंबर फोर द हुक्सलॉ इज वैलिड फॉर अब हमें हुक्स लॉ वैलिड बताना है किसके लिए है एंड दैट इज फॉर एंटायर इलास्टिक रीजन ऑफ द स्ट्रेस ट्रेन कर इलास्टिक एज वेल एज प्लास्टिक एंटायर स्ट्रेस ट्रेन कर ओनली प्रोपोशनल रीजन ऑफ देखो हु क्या कहता है आपको स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा विद इन विद इन इलास्टिक रेंज विद इन इलास्टिक रेंज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इलास्टिक रेंज के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भाई ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता है बिल्कुल भी दोनों का सेम ही मतलब है दो ऑप्शन का मीनिंग सेम है तो दोनों ही गलत है या तो ये बचता है या तो ये बचता है पहला है ओनली प्रोपोर्शनल रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और दूसरा है एंटायर इलास्टिक रीजन तो एंटायर इलास्टिक नहीं ये एंटायर इलास्टिक इसलिए नहीं क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है फोर्स लगाओगे तो वो शेप खराब ही हो जाएगी अगर मैं इस पर फोर्स लगा के इसको ऐसे तोड़ देता हूं तो तोड़ने के बाद मैं इसको जोड़ नहीं पाऊंगा जिस चीज को आप जोड़ सकते हो जैसे एक रबर बैंड है रबर बैंड को खींचोगे जैसे ही फोर्स हटाओगे वापस उसी शेप में आ जाएगा उसको बोला जाता है इलास्टिक अगर रबर बैंड को एक फोर्स से ज्यादा खींचूंगा तो वो टूट जाएगा टूटने के बाद उसको नहीं सही कर सकते वो प्लास्टिक है तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैसेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा समझिए भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंस होते हैं वी हैव टू लेंसेज यस तो पहले आएगा आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकेंड इज आई पीस तो पहले तो ये जो है पैटर्न ढूंढे इसमें आईपीस पहले ऑब्जेक्टिव बाद में ये नहीं हो सकता इसमें ये हो सकता है ये हो सकता है ये भी हो सकता है अब उसमें कह रहा है कंडेंसर कंडेंसर क्या होता है जिसके थ्रू जो है ऑब्जेक्ट में क्लैरिटी आती है एक साफ साफ इमेज आप देख पाते हो तो कंडेंसर ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस बॉडी ट्यूब ऑब्जेक्टिव लेंस कंडेंसर बॉडी ट्यूब आई पीस एंड यस ये भी नहीं होगा क्योंकि बॉडी ट्यूब नहीं बॉडी ट्यूब आई पीस इसका बी आएगा कंडेंसर ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीस बॉडी ट्यूब एंड या इट्स बी कंडेंसर सबसे पहले कंडेंसर फिर uh, नहीं ऑब्जेक्टिव लेंस बी ऑप्शन पहले ऑब्जेक्टिव लेंस आएगा आफ्टर दैट कंडेंसर देन बॉडी ट्यूब एंड एट लास्ट आई पीस चलिए लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट एन एंगल थीटा इज नॉट इक्वल टू देन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है बी बी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन अगर आपके पास ए थ्री है बी फोर है ए थ्री है एंड बी इज फोर बी इज फोर तो मोड़ ए प्लस मोड़ बी थ्री प्लस फोर यह आ गया से प्लस बी थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर यह आ गया तो दिस इज द करेक्ट बो दिस एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू टिल्स इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच जय हिंद